पवित्र रमजान के बाद ईद का पर्व पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाया गया। ईद के इस मौके पर राजधानी में ईदगाह भाटा में सबसे बड़ी तादाद में यहां पर नमाज अदा की गई। हजारों लोगों ने यहां पर नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। एक महीने के पवित्र रमजान के बाद आज ईद का त्यौहार राजधानी रायपुर भी मनाया गया है। यहाँ पर सबसे बड़ी ईद में नमाज अदा की गई है। हजारों लोगों ने एक साथ नमाज अदा यहाँ पर की है और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई जो मुस्लिम भाई हैं वो दे रहे हैं। नमाज अदा करने के बाद अब घरों में जाकर सेवैयों का आनंद लिया जाएगा, पकवान बटेंगे, एक दूसरे के घर जाकर ईद की बधाई देंगे। कुछ मुस्लिम भाई उनसे बात करते हैं। ये आप लोगों ने आज नमाज अदा की है, किस तरीके से आज त्योहार मनाएंगे, क्या दुआ आप लोगों ने मांगी है? दुआ हमने दुआ यही मांगी है कि हमारे वतन में, हमारे शहर में सुख शांति रहे, सब अच्छा रहे, बस ईद की यही है। प्रेम सौहार्द का त्यौहार आप लोगों ने यहाँ पर मनाया है, नमाज अदा की गई है, क्या दुआ आप लोगों ने वतन के लिए मांगी है? यही दुआ है कि सभी जितने भी कौम हैं यहाँ पर रायपुर शहर में और अतराफ में और पूरे मुल्क में इस ईद की नमाज के जरिए सभी अमन चैन और खुशहाली तरक्की के रास्ते पे जाएं और सभी खुशहाली मनाएं। हमारे साथ सभी हिंदू भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को जितने भी हैं सबको ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो एक महीना है रमजान का वो काफी पवित्र रहता है, काफी कष्ट सह के रोजा आप लोग रखते हैं, आज एक बड़ा दिन रहता है आप लोगों के लिए। जी जी जी, ये रोजे का जो महीना है 30 दिन को जो रोजा रहता है इसमें सारी इबादतें होती है, आँख से होती है, कान से होती है। आँख से मतलब बुरी नजरें ना देखे, बुरा शब्द ना बोले, बुरी चीजें ना सुने, इबादत में अल्लाह की इबादत में गुजारें। ये इस तरीके से रोजा जो है मुकम्मल होता है और ये जो रोजा मुकम्मल होने के बाद 30 दिनों के बाद जो खुशी होती है वो ईद की जो खुशियाँ मनाई जाती है, ईद के जो त्यौहार रहता है उसमें शामिल रहता है, तो उस तरीके से वो रोजे का जो है इनाम होता है ईद जो है। छोटे बच्चे उनसे बात करते हैं, आप रोजा रखा है पूरे महीने भर, कुछ कष्ट हुई आपको? जी नहीं। अच्छा लगा। और आज आपने नमाज अदा की, आप किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे आज दिन भर? आज हम सब दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे, जो फ्रेंड्स को बुला के आज सब सेवाई खाएंगे घर में, हम जो रिलेटिव्स हैं हम सब घर जाएंगे, गिफ्ट लेकर जाएंगे, जहाँ सेवाई खाने जाएंगे, ईदी बांटेंगे, ईदी देंगे, इतना ही है। तो निश्चित तौर पर प्रेम सौहार्द का त्यौहार ईद धूमधाम से रायपुर में मनाया गया है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने भी महीने भर रमजान जो रोजा है वो रखा और आज जाकर वो ईद उन्होंने मनाया है और नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे के घर जाकर जो मुस्लिम भाई हैं वो ईद की बधाई एक दूसरे को देंगे। कैमरामैन राहुल के साथ हेमंत शर्मा, सुराज एक्सप्रेस। महीने भर रमजान के